हेलो दोस्तों, वेलकम टू सेटअप। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी सेटअप के। दोस्तों आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में, साथ ही साथ बात करने वाले हैं 12,460 शिक्षक भर्ती के संबंध में और 68,500 शिक्षक भर्ती के संबंध में बात करने वाले हैं कि आज की लेटेस्ट अपडेट क्या है। आज एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है, तो बात करते हैं वो आदेश किसके बारे में, साथ ही साथ बात करने वाले हैं कि जो बात है सुनने वाली है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, तो उसके लेकर क्या तैयारी है और किस प्रकार से मामला सॉर्ट आउट हो सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए फ्रेंड्स को लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग पता है कि 8 तारीख को विभाग में मीटिंग थी, बेसिक विभाग में बड़ी मीटिंग थी, उसी के संदर्भ में यहाँ पर जो है एक पत्र जारी किए गए महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, ठीक है, लखनऊ, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है सेवा में मंडली सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद, ठीक है। आगे लिखा यहाँ पर डेट लिखी गई है 8 जुलाई 2022, यानी 8 तारीख को जारी किया गया नोटिस है। ये हमारे पास नोटिस पहले आ गया था लेकिन थोड़ा समय नहीं मिलने की वजह से हमने वीडियो नहीं बनाया, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर लिखा गया है विषय क्या है, विषय लंबित संदर्भों के संदर्भ में महोदय उपयुक्त विषय विभिन्न प्रकरण यथा शिक्षक भर्ती 69,000, 8,560, ठीक है, और 12,460 ग्रेजुएटी भुगतान, माननीय उच्च न्यायालय प्रकरण निस्तारण, ठीक है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, माननीय उच्च न्यायालय प्रकरण निस्तारण, अवकाश स्वीकृति, वेतन भुगतान आदि के संबंधित मार्गदर्शन हेतु शिक्षा निदेशक बेसिक व बेसिक परिषद प्रयागराज को संदर्भित किए गए हैं, किंतु उनके संदर्भ में निर्देश अपर्याप्त है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया उक्त प्रकरणों की सूचना निम्न प्रारूप पर 2 दिन के अंदर इस कार्यालय को ईमेल स्कूल शिक्षा @gmail.com पर हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी पर उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। आगे लिखा गया क्रम संख्या ये जो है इस प्रकार से प्रारूप में इनको भेजना है, ठीक है। जो सचिव है उनको यहाँ पर जो है भेजना है, सचिव के माध्यम से बेसिक के जो महानिदेशक हैं उनको भेजना है, ठीक है, स्कूल महानिदेशक को भेजना है, ठीक है। तो दोस्तों ये पत्र जारी किया गया, आप लोगों को पता है कि 8 तारीख को मीटिंग थी, उसके बाद यहाँ पर मीटिंग होने के बाद ये एक महानिदेशक द्वारा जो है पत्र जारी किया गया है और इसी को लेकर एक कल भी मीटिंग होने वाली है, ठीक है। ये जो मुद्दे हैं, जो भी लंबित मुद्दे हैं उनको लेकर और जो बेसिक विभाग द्वारा कार्य चल रहे हैं उनके यहाँ पर जो है किस प्रकार से कार्य चल रहा है उसके बारे में कल मीटिंग होने, महत्वपूर्ण मीटिंग है, लगभग 10 बजे के आसपास मीटिंग है, जिसमें यहाँ पर जो है मंत्री जी मौजूद रहेंगे और जो है विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो दोस्तों इस पत्र का दिखाने का मतलब सिर्फ ये सही है कि विभाग का जो कहना है कि हम इस पर कार्य कर रहे हैं, 69,000 की 860 लिस्ट को लेकर हम काम कर रहे हैं और साथ ही साथ जो भी पुराने लंबित मामले हैं उस पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपका जो मामला है वास्तव में इस पर काम हो रहा है, क्योंकि बार बार विभागीय अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है और बार बार नोटिस भी जारी हो रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पर जो ये सरकार कहती है एक बार वो लगभग यहाँ पर जो है वही करती है, क्योंकि यहाँ पर जो है चुनाव से पहले सरकार ने कहा था कि हमारे पास शिक्षक और छात्र अनुपात सही है, इसलिए यहाँ पर जो है लगभग हम 70,000 की वैकेंसी निकालेंगे, लेकिन अब उसमें विवाद हो गया, इस वजह से वो भी वैकेंसी नहीं निकाली गई और बहुत ही प्रदर्शन हुआ था लेकिन फिर भी वैकेंसी नहीं निकली थी। वहीं अब सरकार बार बार कह रही है कि हम जितने भी पुराने लंबित मामले उनको निषद करने के बाद ही नई शिक्षक भर्ती निकालेंगे, वो भी तब निकालेंगे जब यहाँ पर जो है हमें लगेगा कि शिक्षक और छात्र अनुपात सही है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो कहना है कि जब हम सभी जिला का यहाँ पर जो है अंतर तबादला कर देंगे और इसके बाद जो पुराने लंबित मामले उनको निषद कर देंगे, इसके बाद एक बार पुनः काउंटिंग की जाएगी छात्र शिक्षक अनुपात की, और उसके बाद अगर छात्र शिक्षक अनुपात अगर कम होता है तब यहाँ पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा, जैसे कि यहाँ पर जो है आज मीटिंग हुई थी और मीटिंग में यहाँ पर जो है जो 100 दिन का एजेंडा था कार्यक्रम के अनुसार यहाँ पर जो है मंत्री द्वारा पत्रकारों को बताया गया, मीडिया को बताया गया कि यहाँ पर जो किस प्रकार से 100 दिन में कार्य किया गया है और तमाम उपलब्धियाँ गिनाई गई हैं विभाग द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात करें विभागीय अधिकारियों की, दोस्तों इस पर कार्य कर रहा है विभाग और 69,000, 8,500, 12,460 ये सभी शिक्षक भर्ती जो पुराने लंबित मामले उस पर जो है जल्दी आपको हल होता नज़र आएगा, जिसको लेकर मीटिंग भी चल रही है लगातार और हो सकता है कल परसों में यहाँ पर जो परसों सुनवाई होने लगी है 69,000 शिक्षक भर्ती का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उसकी यहाँ पर जो है कल बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। और बात करें यहाँ पर जो इसका मामला जो सॉर्ट आउट होने की, तो उससे यहाँ पर विभागीय अधिकारी का कहना है कि ये मामला जो है कल ही परसों जो है इसको हम विभाग द्वारा कोशिश है कि किसी न किसी प्रकार से हम बाहर कर लें कोर्ट से और बाद में ये मामला चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी समय से पुराना हो गया है।
वहीं अगर बात करें वकीलों के माध्यम से जानकारी के अनुसार, दोस्तों उनका कहना है कि यहाँ पर ये मामला दो प्रकार से हो सकता है। एक पहला बात तो है संपूर्ण समायोजन। दोस्तों अगर बात करें संपूर्ण समायोजन को लेकर, दोस्तों उसमें थोड़ी अभी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है इतना पद देना किसी एक भर्ती में थोड़ा अभी सही नहीं है, ठीक है। अगर बात करें दूसरा यहाँ पर मामला ये है कि इस प्रकार से हो सकता है कि सरकार एक बार पूरा क्लेरिफिकेशन दे दे कि किस प्रकार से चयनित हुए हैं अभ्यर्थी और किस कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, तो सारा मामला अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। बाकी विभाग ने इसका हल निकाल लिया, किस प्रकार से हल निकाला है वो तो 12 तारीख को ही कन्फर्म होगा, और कोर्ट द्वारा उस हल को किस प्रकार से लिया जाता है वो 12 तारीख को ही कन्फर्म होगा, क्योंकि 12 तारीख को बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली, और उससे पहले बेसिक मीटिंग भी है 11 तारीख को, मीटिंग भी बहुत ही बड़ी मीटिंग है और उस पर भी बड़ा फैसला हो सकता है। तो देखते हैं क्या होने वाला है, लेकिन इतना कन्फर्म है कि आप लोगों का कार्य चल रहा है और जल्दी आप लोगों को कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। बाकी आप लोग परेशान ना हो, जो विभागीय अधिकारी कहना है, जो सरकार कहती है वो लगभग यहाँ पर करती है, क्योंकि यहाँ पर जो है सरकार पिछली बार भी कहा था कि हम इस पर कार्य कर रहे हैं और बार बार सरकार कह रही है, इसलिए यहाँ पर कोई भी बार बार अगर कमिटमेंट आता है तो इसका मतलब है उस पर कार्य हो रहा है, और जैसा कि आप लोगों को दिख भी रहा है क्योंकि यहाँ पर बार बार पत्र भी जारी हो रहा है। इसलिए आप लोग परेशान ना हो, आप लोगों को नियुक्ति मिलेगी, हर हाल में अवश्य मिलेगी। तो इस तरह का वीडियो आई होप आपको भी पसंद आएगा।